हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काशिफ हाशमी व्लॉग्स। इसमें हम आपको लेके आ गए हैं फतेह सागर और यहाँ पे हम करने वाले हैं बोटिंग। तो बोटिंग के चार्जेस पावर बोट के हैं 236 पर हेड और 118 रुपये जो फ्लो वाली मोटर बोट होती है, इसमें काफ़ी सारे लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो उसके थे 118 जस्ट हाफ। तो अभी हमने डिसाइड किया कि हम करेंगे स्पीड बोट और पीछे का नज़ारा। तो ये होती है मोटर बोट नॉर्मल वाली और हम करने वाले स्पीड बोट जो हम आपको दिखाएंगे अभी। और सामने देख सकते हैं मोती मगरी, जहाँ पे महाराणा प्रताप का स्मारक वगैरह बना हुआ है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और ये देखिए महाराणा प्रताप स्मारक है लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पार्किंग भी अवेलेबल है, 100 रुपये में अपने कार पार्क कर सकते हैं और अंदर म्यूजियम के लिए पैदल जा सकते हैं ऊपर। तो चलिए अभी हम चलते हैं बोटिंग के लिए। जयपुर का जो मौसम है बड़ा ही शानदार मौसम हो रहा है और बड़ी ठंडी हवा रही है, गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। तो दिस इज द राइट टाइम टू कम टू जयपुर। मार्च अप्रैल के बाद बहुत गर्मी होने वाली है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाली जो है ये होती है मोटर बोट, ये काफ़ी फास्ट चलती है, आपको दिखाते हैं अभी जब स्टार्ट होगी। तो हमें पहनना पड़ेगा सेफ्टी जैकेट फर्स्ट। तो इस बोट में बैठने वाले हैं, तो यार बैठ चुके हैं बोट के अंदर और स्टार्ट करते हैं। तो यार ये है महाराणा प्रताप स्मारक समिति मोती मगरी उदयपुर राजस्थान, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे हम लेंगे 100 रुपये का टिकट यहाँ से, और देखिए सामने टिकट काउंटर आप मेरे देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं 100 रुपये का टिकट, और अगर गाड़ी भी लेके जा रहे हैं तो 100 रुपये गाड़ी, आप अपनी पर्सनल गाड़ी ले जा सकते हैं, 100 रुपये पार्किंग चार्ज होगा। टिकट हमने ले लिया था 100 रुपीज़ में, तो ऊपर जाने का थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमने सोचा कि देखिए यहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं और 50 रुपीज़ का पर हेड चार्ज है, तो हमने ले लिया है 50 रुपीज़ में और गाड़ी में बैठ के चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं रास्ता यहाँ का कैसा है। तो वापस कितने देर में आ जाएंगे? अच्छा अच्छा, आप मिल जाओगे ना बाहर वहीं पर। कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे आपको, अगर गाड़ी नहीं हो फोन कर देना। ठीक है जी। तो पहले हम कवर करेंगे इस बिल्डिंग को जो कि वीर भवन, और हमें इसमें देखने को मिलेगा हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ और मॉडल ऑफ चित्तौड़गढ़, बैटल फील्ड ऑफ हल्दीघाटी, मॉडल ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ महाराणा प्रताप, मॉडल ऑफ द सिटी पैलेस एंड ऑन सो ऑन। ये है महाराणा राज सिंह जी और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है दी। तो यार एक फोटो गैलरी है जिसमें जो मेवाड़ के राजा थे स्पेशली उदयपुर के साइड में, ये बप्पा रावल, जिन्होंने 7th-8th century में जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया था और उसके बाद उसको कंटिन्यू बाकी के राजाओं ने कंटिन्यू किया था, बनाया था आगे। और ये देखिए दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छल से बंदी बनाए गए रावल रतन सिंह को मुक्त कराने वाले वीर गोरा एंड बादल। ये है गोरा एंड बादल और ये है महारानी पद्मिनी।
और जौहर कांड का एक दृश्य यहाँ दिखाया गया है इस फोटो के अंदर। तो आग के अंदर अपने आप को समर्पित करते हुए पद्मिनी देवी। और यहाँ है महाराणा कुंभा, इनका कार्यकाल था सन 1433 से 68 के बीच में, और इनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। और साथ में इनकी पेंटिंग जो हैंडमेड पेंटिंग है, एक इमेजिनरी पेंटिंग्स जिसे हम कह सकते हैं। ये है मीराबाई और ये थे महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा सांगा जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, और इनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन। और देखिए इनके हाथ और आँख में युद्ध के दौरान चोट लग गई थी, तो उसको उसी लिए उनका फोटो भी उस तरह से बनाया गया है। तो बेसमेंट के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई, तो चलिए आपको दिखाते हैं बेसमेंट में क्या क्या है। ढाल, तलवार और तीर कमान जो कि ओरिजिनल है एकदम, वो वेपन्स हैं जो कि रियल हैं एकदम। अब देखिए ये तलवार का वेट दिया हुआ है 1.799 किलो और शील्ड का वेट तकरीबन 2.5 किलो के आसपास है और 2.25 किलो की है ये तीर कमान। और ये है, इसे कहते हैं जिरे बख्तर जो कि एक सैनिक की ड्रेस होती है, और ये हेलमेट के तौर पे लगाया जाता था सेफ्टी के लिए जिससे कि युद्ध में बचा जा सके। ये है गुर्ज, यहाँ पे अच्छी बात ये है कि सब हर एक जितने भी हथियार हैं सबका नाम लिखा हुआ है। तो ये है सिटी पैलेस, यार उदयपुर का जो सिटी पैलेस है इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटी पैलेस है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है देखने में, यार बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। और हमने जब इसको विज़िट किया तो जितनी बार भी आते हैं यहाँ पे उदयपुर ऐसा लगता है कि हर बार इसे देखा जाना चाहिए। पुरानी जो हिस्ट्री की चीज़ें होती हैं वो हमें अट्रैक्ट करती हैं और वाकई में उनकी हिस्ट्री जान के बहुत अच्छा फील होता है। हल्दी घाटी रण क्षेत्र, मतलब हल्दी घाटी का जो युद्ध होता अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, यहाँ पे काफ़ी हल्दी घाटी में काफ़ी सारे युद्ध लड़े गए और उन्हीं में से उसी का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है देखिए। और ये थे महाराणा प्रताप जिनकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उनका बर्थ, कब उनका डेथ हुआ, वो सब यहाँ दिया गया है। और उनकी लाइफ किस तरह एक्सपेंड उन्होंने की, बर्थ प्लेस क्या था, कुंभलगढ़ का एक फोटो यहाँ पे दिया गया है, किस तरह जो महाराणा प्रताप थे वो राजा बने थे, और ये गद्दी नशीन जब हुए थे महाराणा प्रताप तो उसको जो है उसको फोटो के एक पेंटिंग के जरिए दिखाया गया है। और ये देखिए हल्दी घाटी का जो वॉर हुआ था उसकी जो पेंटिंग है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे बड़ा ही कत्लेआम हुआ था उस टाइम पे 1576 के अंदर जब ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में। उदयपुर के पास एक जगह है हल्दी घाटी, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था जो कि एक बहुत बड़ा मैदान है। ये है वो योद्धा जो महाराणा प्रताप के साथ थे उस लड़ाई में, हल्दी घाटी के युद्ध में। महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे हकीम खां सूरी, उनका भी नाम यहाँ मेंशन है। और अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह, वो लड़े थे महाराणा प्रताप के खिलाफ, तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। 1997 में महाराणा प्रताप 30 जनवरी को इस दुनिया से चले गए थे। और ये देखिए ये सब चीज़ें हमने कवर की हैं, हालांकि ये किला इतना बड़ा है कि इसको एक दिन में पूरा नहीं घूमा जा सकता, लेकिन हमने कोशिश की है फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की। रानी पद्मिनी ने जहाँ जौहर किया था, जौहर स्थल भी यहाँ पे मौजूद है, तो देखिए कितना बड़ा मॉडल बना हुआ है, जितना बड़ा किला है उसको एक छोटे से मॉडल में बना के बताया गया है। तो जब इस म्यूज़ियम से हम बाहर निकलते हैं तो देखिए सामने मैं आपको दिखा देता हूँ फोक डांस में, हम तो आपको दिखाते हैं फोक डांस। ये है म्यूज़ियम और इसी के पास में राजस्थानी म्यूज़िक और फोक डांस इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे फोक डांस होता है, शायद अभी हो रहा है नहीं पता नहीं। तो ये महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम, तो आप सुन सकते हैं मेरे पीछे म्यूजिक चल रहा है। तो आई डोंट नो यहाँ पे फोक डांस किस टाइम होता है, बट अभी तो कुछ देखा नहीं जा सकता। यहाँ पे एक चौपाटी बनी हुई है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चाय, नाश्ता और फास्ट फूड इंजॉय कर सकते हैं। और सामने देखिए आई लव मेवाड़, इसके साथ फोटोग्राफी भी कर सकते हैं एंड सैंडविचेस।
काफ़ी सारी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह भी अवेलेबल है और यहाँ पे जिप लाइन भी अवेलेबल है, आप चाहें तो जिप लाइन एक्टिविटी भी यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए 50 रुपये का हमने टिकट ले लिया था और अब यहाँ म्यूजियम से जब हम निकलते हैं यहाँ पे जो भी गाड़ी जा रही है आप उसको रोक सकते हैं और उसमें बैठ के ऊपर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिसमें बैठ के हैं उसी में जाना ज़रूरी है, आप किसी भी गाड़ी में जा सकते हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे स्मारक, लगता है ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है, एकदम क्लीनिंग। ये चेतक वाटिका, और ये देखिए साइड का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। सर उदयपुर सच में एक ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ पे आने के लिए हम हर बार सोचते थे लेकिन आज पहुँच गए, और तीसरी बार मैं इसको देख रहा हूँ लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, शायद 7-8 साल बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, तो काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं और भी पहले से भी। और आपको दिखाने वाले महाराणा प्रताप की जो स्मारक बना हुआ है मोती मगरी के अंदर, और काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, ऊँचाई पर बना हुआ है तो काफ़ी अच्छा लगता है, आसपास का जो सिटी व्यू है वो भी बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। और ये है महाराणा प्रताप का स्टैचू, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, यहाँ देखिए। और ये सूर्यवंशी थे इसलिए सूरज का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी देखी दी गई है महाराणा प्रताप के बारे में, तो इनका बर्थ और इनकी कब डेथ हुई थी वो और कब बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए कितना खूबसूरत जो है फतेह सागर लेक के पास में ही बना हुआ है और बहुत ही बेहतरीन व्यू यहाँ पे देखा जा सकता है, सामने एक्वेरियम भी है वहाँ भी हम जा सकते हैं। तो यार यहाँ पे देखने को बहुत कुछ है, यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो टाइम लेके आएँ क्योंकि यहाँ पे एक दो दिन में आप पूरा नहीं देख पाएंगे, तकरीबन मिनिमम 3 दिन तो यहाँ रुकना आपको ज़रूरी है और तभी आप पूरे प्लेसेस देख पाएंगे। और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं मोती महल, यहाँ से विजिबल थोड़े कम है, जूम करके देखी जा सकती है। तो ये महल के लिए हमें दूसरे रास्ते जाना होगा, यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, यहाँ बैठ के देखिए। आज शायद बारिश का मौसम है तो पता नहीं होगा कि नहीं। यही वो जगह है जहाँ पर चेतक की समाधि भी बनी हुई है, चेतक ब्रीदिंग लास्ट, ये वो जगह मतलब महाराणा प्रताप को जो फेवरेट घोड़ा था उनमें से एक चेतक था जिसको बुलबुल भी कहते थे। तो ये जो प्लेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दोनों की ही इंफॉर्मेशन दी हुई है। और यहाँ पे एक रॉक के ऊपर देखिए एक तोप रखी गई है, नीचे जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी गई है हाकिम खान के बारे में। तो हाकिम खान सूरी कौन थे, जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे जो कि महाराणा प्रताप से बहुत इम्प्रेस थे उनकी स्ट्रेटजीज की वजह से और जिस तरह से उन्होंने वॉर वगैरह किए थे तो उनका साथ दिया था और उनकी आर्मी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था। और बाकी इन्फॉर्मेशन आप देखिए पढ़ सकते हैं स्टॉप करके, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। तो हकीम खान सूरी जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस इतिहास में और एक बहुत अच्छे सेनापति थे। जैसे भी हम बाहर आते हैं तो हमें मिल जाती है एक कैफेटेरिया छोटा सा, और कैफेटेरिया में हमने ऑर्डर किया लस्सी, और देखिए लस्सी हम पीने वाले हैं, बहुत थक गए हैं तो सोचा लस्सी पी लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो यार इसे लाइक करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।